तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक और नए फ्रेश वीडियो में। एंड गाइस, फाइनली आपका भाई 3-4 दिन बाद वीडियो लेके आ गया। अब यार देखो, इसके पीछे रीजन बेसिकली यही था कि यार बहुत ज्यादा यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट अब फाइनली वर्क हो गया है एंड अब जो है रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यार फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप को अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रह गई है एंड मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड मुझे नीचे इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आपको लगता है कि इस बार जो हमारी 3 इंडियन टीम्स है जो कि प्लेन्स में खेल रही है, दैट इज देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स, पीवीएस गेमिंग ई-स्पोर्ट्स एंड टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स, क्या कोई इस बार क्वालिफाई कर पाएगा फाइनल में? क्या कुछ एक हिस्ट्री क्रिएट हो पाएगी इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में? तो अगर ऐसा हो गया तो भाई मजा ही आ जाएगा। मतलब मुझे तो लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए एंड हमारी इंडियन टीम क्वालिफाई हो जाए, बहुत मजा आएगा। तो आज का जो पूरा वीडियो रहेगा, जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल तो देख ही लिया कि भाई आज हम लोग बात करने वाले कुछ आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, जो कि कल मैंने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डाला था कि भाई जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, तो आपने क्वेश्चन पूछा है। एंड कुछ चीजें और जो कि फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप से रिलेटेड है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो रेगुलर ई-स्पोर्ट्स कंटेंट के लिए। एंड हाँ यार, शेयर करो, क्योंकि यार हमारा जो चैनल है ना उसका CTR तो भाई 15-16 ऐसा जाता है, बट यार व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो व्यूज लाने के लिए आपको शेयर करना जरूरी है, तो शेयर कर देना एंड कमेंट जरूर से करना। अब यार Q&A को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप से रिलेटेड। एंड उनमें से सबसे मेन यही है क्वेश्चन आप सभी का कि यार फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप का टाइमिंग क्या होगा। जी हाँ, क्योंकि यार काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई 6 बजे जैसा हमेशा एज यूजल होता है वैसा होगा या फिर टाइमिंग में चेंज होगा। तो गाइस टाइमिंग में चेंज है, 3 बजे आपको देखने को मिलने वाला है फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप का प्लेन्स एंड फाइनल्स। 20 और 21 को प्लेन्स होगा तो 3 बजे होगा दोपहर में, एंड फाइनल्स 28 तारीख को होगा तो वो भी 3 बजे होगा। एंड दूसरा सवाल सबका था कि यार जो हमारा फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप हो रहा है ये कौन से सर्वर में खेला जाएगा, क्योंकि यार देखो अभी तक ना ऐसा कोई भी गरीना ने डिजाइन नहीं किया किसी सर्वर को जिसमें सभी रीजन के टीम्स आके खेल सके एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो अभी तक जैसा हमेशा सिंगापुर में होते आया है, सिंगापुर के सर्वर में होते आया है, वैसे ही होगा अभी भी। एंड सूत्रों के मुताबिक बोला जा रहा है कि 150-160 का पिंग आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडियन टीम्स का। अब यार ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार मुझे खुद इतना पता नहीं है इसके बारे में। 150-160 का पिंग हो सकता है कि आपको देखने को मिले। अब यार बाकी जो रीजन के टीम्स है उनको तो और भी दिक्कत आएगा, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम लोग आते हैं मेन सवाल पे, जो कि आप लोग ने मेरे से पूछा था कल के दिन इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, जो कि आपका सवाल था। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर, जो कि भाई कि देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स आपको कहां उतरने को देखने को मिल सकती है परगेटरी मैप में, ये आपने मेरे से पूछा था। अब यार जैसे कि मैंने आपको ड्रॉप पॉइंट वाले वीडियो पे बताया था कि देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स का जो ड्रॉप पॉइंट है परगेटरी मैप में वो तो रहता है मोथ हाउस। बट यार इतना खराब किस्मत है ना, मतलब यार 3-3 टीमें और उतर रही है मोथ हाउस पे, एंड ऐसे में हो सकता है कि भाई क्रैश लैंडिंग देखने को मिले। बट देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स का ये भी है ना कि अभी तक जो भी वो टूर्नामेंट खेल रही है, जो भी वो स्क्रीम खेल रही है, सब में वो मोथ हाउस पे ही उतर रही है, मतलब उन्होंने ड्रॉप पॉइंट चेंज नहीं किया है। हालांकि गाइस 3 टीमें अगर एक जगह उतरेगी कुल मिला के 4 टीमें, तो भाई साहब क्रैश देखने को मिल सकता है। बट यार इग्नाइट एंड इग्नाइट के साथ साथ पूरी टीम देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स की, अगर उनको ड्रॉप पॉइंट चेंज करना होता है तो फिर मे बी वो ब्राजीला की तरफ शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि ब्राजीला पे कोई टीम नहीं उतर रही है। एंड साथ ही साथ हो सकता है कि वो फील्ड के तरफ भी मूविंग करें, क्योंकि फील्ड से उनका रोटेशन हमें काफी टाइम देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि फील्ड पे लूट करें। फील्ड का एक एरिया तो ऑलरेडी एक टीम का है, बट दूसरा एरिया फील्ड का खाली है, तो हो सकता है कि वो वहां उतरे। बट अभी तक तो यार हर स्क्रीन में इनका सेम ड्रॉप पॉइंट ही है, देखते क्या होता क्या नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन भाई का है कि तुम तो सभी, अच्छा ये तो क्वेश्चन नहीं है, तुम तो सभी इंफॉर्मेशन देते हो क्या पूछे। अरे भाई भाई भाई, इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया गाइज। एंड यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करना मत भूलना अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो। एंड इस भाई के लिए भी धन्यवाद इतना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। बस बाकी तो यार सबको आपको बता ही देता हूं, सारे अपडेट पहले ही दे देता हूं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल के ऊपर।
अब यार जो हम लोग का अगला सवाल है वो पूछा गया है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है तो दोनों का ही मैं आंसर दूंगा। क्वेश्चन है कि कौन सी इंडियन टीम के चांसेस सबसे ज्यादा है फाइनल्स में पहुंचने के लिए, टोटल गेमिंग, पीवीएस या फिर देसी गेमर स्पोर्ट्स। अब यार देखो मैं तो यही बोलूंगा भाई तीनों टीम आ जाए, सच्ची में आ जाए तीनों टीम मजा आ जाएगा, बट अगर फॉर्म को देखते हुए बात करें तो भाई सबसे पहला अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो वो होगी पीवीएस गेमिंग स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि यार पीवीएस हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो कि बिल्कुल भी डरती नहीं है, जाती है मार के आती है एंड बहुत अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सच्ची में ऐसा लगा कि भाई कुछ अच्छा करे पीवीएस का। ये भी है ना कि जो उनका ड्रॉप पॉइंट रहता है ब्राजीला या फिर आप बात कर लो द मेज या फिर मैमोथ की या फिर आप बात कर लो इधर हमारे बरमूडा में इसके पीक की, तो इनका जो है ना फाइट भी हमें देखने को मिलता है इधर। एंड ऐसे में अगर मान लो फॉर एग्जांपल परगेट्री का, तो ब्राजीला पर जब ये उतरती हैं तो इनका फाइट होता है टीएसजी से, एंड अगर टीएसजी से वो फाइट लेती हैं एंड अगर उनको एलिमिनेट कर रही है, मतलब यार आपकी ग्राइंडिंग नेक्स्ट लेवल चल रही है, आप इनिशियल फाइट में तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, बाकी यार रोटेशन में उनका काफ़ी अच्छा रहता है, सर्वाइविंग स्किल तो हमें पता ही है भाई कितना अच्छा है, बाकी तो यार प्लेयर्स फॉर्म में भी दिख रहे हैं। टीएसजी से आप फाइट ले रहे हो, टीएसजी से अगर आप कभी गलती भी करते हो, टीएसजी से एलिमिनेट होते हो तो आप वहां पर सीख भी रहे हो, तो ओवरऑल पीवीएस फॉर्म में है, पीवीएस का सबसे ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है, बाकी मैं तो चाहता हूं कि सभी टीम आ जाए मजा आ जाएगा। एंड ये भी है कि पीवीएस का जो बाकी दो ड्रॉप पॉइंट है द मेस मैमोथ या फिर आप बात कर लो इधर हमारे पीक के, तो वहां पर भी इनका फाइट होता है एंड वहां पर भी ये अच्छा करते हैं, तो ओवरऑल सब सही चल रहा है पीवीएस का। तो या पीवीएस, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल के ऊपर। तो यार अगला सवाल है कि किसको सपोर्ट करोगे, तो भाई ऑफकोर्स सी बात है मैं इंडियन टीम्स को सपोर्ट करूंगा एंड हैशटैग इंडिया लगा दूंगा पूरा लाइफ में, मजा आ जाएगा। बाकी यार इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने वाला था बट मुझे एक चीज और याद आया कि यार देखो ऐसा है ना, इंडियन टीम्स को सपोर्ट तो करना ही है बट साथ ही साथ क्योंकि मैं देखो एक इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, तो मैं ऐसा इधर कर नहीं सकता कि मैं इधर सभी आईजीएल्स को बुला लूँ, आइकॉनिक, योगी, फौजी भाई एंड इग्नाइट को बुला लूँ इधर एंड आप लोग से बेस्ट विशेष दिलवा पाऊँ। तो बेसिकली करना क्या, आप लोग को अपने इंस्टाग्राम में इनको टैग करना है एंड इनको बेस्ट विशेष देते रहना है कि भाई आप लोग अच्छा करोगे। प्रेशर तो यार बिल्कुल भी लेना ही है, हमारी इंडियन टीम हर बार प्रेशर लेती है एंड इसीलिए दिक्कत होता है, प्रेशर नहीं लेना है, जाना है मार के आना है एंड इन्जॉय करके आना है। बाकी अगर टॉप फाइव भी हमारी इंडियन टीम आ जाती है ना तो भाई समझ लो कि हमने काम कर लिया, एक हमने एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया। बाकी टारगेट तो रहेगा जीतने का ही, बट मैं आपसे सच्ची में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं आप लोग तो प्लीज़ टैग करें इन्हें एंड इनको प्लीज़ मोटिवेट करें ताकि सब कुछ अच्छा हो एंड होपफुली इस बार फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप हमारे इंडिया में जीत के आए, ठीक ना। बाकी तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाए चुकी हैं, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में, काफ़ी सारे लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने डाले हैं, प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।